आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डीएनएस के बेनिफिट्स के बारे में, डीएनएस के उपयोग के बारे में, डीएनएस के साइड इफेक्ट्स के बारे में, डीएनएस को कहां पर उपयोग नहीं करना चाहिए। सबसे पहले समझ लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर है सोडियम क्लोराइड और डेक्सट्रोज। सोडियम क्लोराइड की बात करें तो यहाँ पर है 0.9% और डेक्सट्रोज की बात करें तो यहाँ पर 5%। अब हम समझ लेते हैं इसके फायदे क्या हैं, इसे कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। सबसे पहला फायदा होता है कि ऐसे मरीज जिनको डिहाइड्रेशन हो चुका है, पानी की कमी अगर शरीर में है, तो उन मरीजों को ये लगाया जाता है। ऐसे मरीजों में ड्रिप लगाई जा सकती है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को इंजेक्टेबल देना हो, यानी कि उसे इंजेक्शन्स देने हो, तो इसके सहारे भी हम इंजेक्शन्स लगा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे मरीज जिनका शुगर लेवल थोड़ा बहुत कम है, ऐसे मरीजों में भी इसका उपयोग किया जाता है। शुगर लेवल को ठीक करने या बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर शुगर लेवल ज़्यादा कम है तो वहाँ पर D5 या D10 का उपयोग किया जाता है। अगर ऐसे मरीज जिनको थोड़ा बहुत पानी की कमी है, थोड़ा बहुत डिहाइड्रेशन है, तो ऐसे पेशेंट को भी इसका फ्लूड दिया जा सकता है। अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जिनको नहीं देना चाहिए, तो सबसे पहला होता है शुगर के पेशेंट। जिन पेशेंट्स को शुगर होता है, हाई ब्लड शुगर होता है, ऐसे पेशेंट को DNS का फ्लूड नहीं दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाता है। या फिर ऐसे पेशेंट्स जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किडनी से संबंधित परेशानियां हैं, लिवर से संबंधित परेशानियां, जो कि सीवियर हों, ऐसी कंडीशन में भी इसका उपयोग नहीं किया जाता डॉक्टर्स के अनुमति के बिना, या फिर डॉक्टर एक विशेष कंडीशन में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये थे इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान के बारे में। अब हम जान लेते हैं कि ये जो फ्लूड होता है किस तरह से रिप्लेस किया जाता है। मान लीजिए किसी पेशेंट को वोमिटिंग या डायरिया हुआ, ऐसे पेशेंट में उसको पानी की कमी हो जाती है, तो उस पेशेंट को डेक्सट्रोस और सोडियम दोनों दिया जा सकता है, यानी DNS लगाया जा सकता है। अगर पेशेंट को ज़्यादा डिहाइड्रेशन है, नमक की ज़्यादा कमी हो गई है, सोडियम की ज़्यादा कमी हो गई, तो वहाँ पर ऐसे पेशेंट को RA रिंगर लेक्टेट दिया जाता है। और ऐसे पेशेंट्स जिनको ज़्यादा शुगर की कमी होती है, यानी उनके ब्लड में बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर कम हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उनको D5 या D10 दिया जाता है। और ऐसे पेशेंट जिनको नॉर्मली केवल इंजेक्टेबल देना होता है सुबह शाम, ऐसे पेशेंट में NS का उपयोग किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने समझ लिया है DNS के बारे में। अगर मार्केट प्राइस इसकी बात करें तो 33.64 रुपये में आपको मिल जाता है, और डोजेज की बात करें तो आपके डॉक्टर्स के द्वारा इसे यूज किया जाता है। और ये एक नॉन पायोजेनिक IV फ्लूड है, जो डॉक्टर्स के द्वारा IV फ्लूड रिप्लेसमेंट में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।